हमास के खिलाफ जंग के बीच ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला ने सोमवार रात इसराइल पर 35 रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि इस दौरान उन्होंने इसराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि लेबनान से कत्यूशा रॉकेट इसराइल के साफिद शहर में गिरे। हालांकि इस दौरान किसी नुकसान की खबर नहीं है। इसके बाद इसराइल ने लेबनान में रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर जवाबी हमले किए। जानकारी के अनुसार यह हमला कथित तौर पर लेबनान के गांवों पर इजरायली हमलों के जवाब में था। दरअसल इसराइल ने हाल ही में लेबनान में शरीफा ओडासेह और रब लातिन गांवों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया था।